सिंगरौली जिले के पेड़न हैरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका उषा दुबे ने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद की स्कूटी में चलता फिरता पुस्तकालय बनाकर शिक्षित करने के अभियान छेड़ रखे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर बच्चों के बीच में रहना और उनको पढ़ाना चलता पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना उनकी दिनचर्या बन गई है। अपनी स्कूटी वाली पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और कहानियों की किताब लेकर अपने स्कूल में पढ़ने वाले मोहल्ले में विद्यार्थियों के बीच में जाती हैं। बच्चे उनका इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही मैम पहुंचती है और क्लास प्रारंभ हो जाती है, एक क्लास में तकरीबन 20 से 25 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में पुस्तकालय वाली दीदी के आने से जहां बच्चे काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके अभिभावक भी बच्चों को प्रतिदिन पुस्तकालय वाली क्लास भेजने में काफ़ी उत्सुक नजर भी आते हैं। तो हमारे बच्चों को वास्तव में पढ़ने में काफ़ी आनंद आने लगा और जहां मैं मोहल्ला क्लास लेती हूं, वहां पे बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। ये चलता फिरता पुस्तकालय जब वहां पे लेके पहुंचते हैं तो छोटे बच्चों में काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिलता है और उनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चे जब ये वाली बुक्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ मैं बोलती हूँ कि आज अपने घर में शाम के समय में आप एक स्टोरी पढ़ोगे या पाठ्यपुस्तक की कविता पढ़ोगे, तो बच्चे उस दिन उसको पढ़ के रखते हैं। और हम लोग खूब पढ़ो अभियान के अंतर्गत बच्चों में 2-3 प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखते हैं अपनी मोहल्ला कक्षाओं में, जैसे पढ़ना लिखना। तो उसमें क्या होता है कि 1 मिनट के अंतर्गत कौन ज़्यादा अच्छे से बुक पढ़ेगा, शुद्ध उच्चारण के साथ शब्द कौन लिखेगा, इस प्रकार की जब प्रतियोगिता होती है तो बच्चे शाम को भी घर में तैयारी करते हैं तो उनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं। ये पुस्तकालय इसमें जो ये वर्षा सीरीज़ की पुस्तकें हैं, ये राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से प्रत्येक विद्यालय के लिए मिली हुई हैं। तो हमारे विद्यालय में ये 2 सेट है, एक प्राथमिक और एक माध्यमिक की। तो मैंने प्राथमिक की एक सेट रख ली है अपने पास ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे बच्चों को ये पुस्तकें दूँ। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं, 4 या 5 पेज की कहानियाँ, और रंगीन उसमें चित्र भी बने हुए हैं, तो छोटे बच्चे काफ़ी उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पुस्तकें हमारे विद्यालय की हैं। कुछ पुस्तकें मैंने अपने आप भी खरीदी हैं, जैसे जनरल नॉलेज की हो गई या नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, वो मेरे पास थी तो उसको भी मैं बैग में रख के लेके जाती हूँ। वहाँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है मैं उसको देती हूँ। किताबें पढ़ के हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे एक मिनट का खेल भी खेलते हैं और खेल हम लोग खेलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। मैडम का इंतज़ार करते हो आप लोग? हाँ। कैसे, कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ के लोग हैं यहाँ पे? हमारे यही मोहल्ले के ही बच्चे हैं, पास के ही। और मैम हमें जब हम लोग इंतज़ार करते हैं कि मैम आए और वो किताब लेके आए और हम वो किताब पढ़ें और हमें मज़ा आए, उससे हमें शिक्षा भी मिले। कब से कर रहे हैं इस तरह? कब से पढ़ रहे तुम लोग? गर्मी की छुट्टियों से, गर्मी में हम लोग बीच से आते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आ रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब मैम किताब लेके आती हैं और हम लोग इंतज़ार भी करते हैं कि मैम जब आएंगी तो हम सब पढ़ेंगे। और ये किताबें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी होती हैं, बहुत अच्छी। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।